60 लाख लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार हिटलर। दोस्तों, हिटलर के बारे में तो सभी जानते ही हैं, लेकिन जो दोस्त नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि हिटलर एक तानाशाह था। एडोल्फ हिटलर जर्मन का था, जिसने अपनी नीति और ताकत के दम पर कई लोगों पर उसने अत्याचार किए थे, और सबसे ज़्यादा अत्याचार उस वक्त यहूदियों पर किए गए थे। खैर, हिटलर के पूरे जीवन के किस्से हम किसी और वीडियो में सुनेंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए खतरनाक प्रयोग बताने वाला हूँ। ट्विंस एक्सपेरिमेंट। 1943 से 1944 तक चला ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही भयानक था। इस एक्सपेरिमेंट में 1500 से भी ज़्यादा जुड़वा बच्चों के जुड़े थे। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य जुड़वा बच्चों के जेनेटिक्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंस जानना था। डॉक्टर जोसेफ मेंगले इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बच्चों को काफ़ी कठोरता से रखा जाता था। उनको उनकी उम्र के हिसाब से छानकर कमरों में बंद करके रखा जाता था, और डॉक्टर्स उन पर बड़ी क्रूरता से एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे जुड़वा में से किसी एक की आंखों पर कलर इंजेक्ट करके ये पता लगाना कि क्या उसकी आंखों का कलर चेंज होगा या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने द्विलोक यानी दो जुड़वा बच्चों का एक ही शरीर बनाना ऐसे भी विचित्र रिसर्च किए, और 1500 बच्चों में से सिर्फ 200 बच्चे ही जिंदा बचे थे। एक्सपेरिमेंट के असफल होते ही डॉक्टर्स बच्चों के दिल में क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट करते थे ताकि बच्चों की तुरंत मौत हो जाए। सी वाटर एक्सपेरिमेंट। ये साबित करने के लिए कि कोई इंसान कितने दिन तक सी वाटर को पीके जिंदा रह सकता है, उन्होंने कुछ लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट भी किया था, और यहूदियों को सिर्फ समुद्र का पानी ही पिलाया गया, जिससे उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई। दोस्तों, समुद्र का पानी अगर लगातार पिया जाए तो 10 से 12 दिन में ही इंसान की मौत हो जाती है। तो उन यहूदियों को लगातार समुद्र का पानी पिलाने की वजह से वो कोमा में चले गए और कुछ की तुरंत ही मृत्यु हो गई। ऐसा कहने वाले कहते हैं कि जब वहाँ फर्श पर पोंछा लगता था तो वहाँ के लोग उस पानी को चाटने लगते थे ताकि उन्हें कुछ बूंदे मीठे और फ्रेश पानी की मिल जाए। जरा सोचिए उन पर क्या बीतती होंगी। द गैस चैम्बर एक्सपेरिमेंट। गैस चैम्बर एक्सपेरिमेंट को 1940 में किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ यहूदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें उनको एक महीने का खाना, पानी और अन्य सुविधाएं भी प्रोवाइड की गई थी। लेकिन इस पर एक शर्त थी कि उस कमरे में एक गैस छोड़ी जाएंगी, और उनको एक महीने के लिए सोना भी नहीं था, और अगर वो ऐसा करते तो उन्हें रिहा कर दिया जाता था। पहले कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उन कैदियों पर कई दिनों तक ना सोने का और उस गैस का असर होने लगा। उनके स्किन पर छाले पड़ चुके थे, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगे, यानी मानसिक रूप से वो बीमार हो गए, और कुछ दिनों बाद उनकी वही मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये गैस कौन सा था इसकी जानकारी मैं हासिल नहीं कर पाया। अगर आप में से कोई जानता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। द बोन ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट। 1942 से 1943 तक चलने वाला ये बोन ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट इंसान की हड्डियों, नसों और मसल्स को समझने के लिए किया गया था, ताकि वो किसी एक इंसान की हड्डी निकाल कर दूसरे इंसान में लगा सके। ये काम करने वाले नाजी डॉक्टर्स बिना पेशेंट को बेहोश करे उसकी एक हड्डी निकाल लेते थे और उसे किसी और के शरीर में लगाने का प्रयास करते थे। उसकी वजह से उन लोगों को लिम्ब एम्पलीट्यूड नामक बीमारी हो जाती और उन्हें बेहिसाब दर्द सहना पड़ता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट को 1% भी कामयाबी नहीं मिली और नाजी डॉक्टर्स बुरी तरह फेल हो गए, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान काफी लोग मर गए। फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि इंसान को जमा देने वाले ठंडे पानी में डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते थे। उनके दिल की धड़कनें धीमी होने लग जाती, और इस समय यहाँ रुकने की बजाय नाजी डॉक्टर्स उन पर गर्म पानी डाल देते, और ठंडे पानी में रहने के बाद गर्म पानी डालने से जल्द बढ़ने वाले टेम्परेचर से उनकी तुरंत मौत हो जाती। ऐसा कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया गया था कि जर्मन पायलट्स को दुश्मनों ने नॉर्थ सी के जमा देने वाले ठंडे पानी में गिरा दिया था, तो वो उस पानी में कितने देर तक जिंदा रह सकते हैं, और अगर उन्हें हाइपोथर्मिया पर काबू पाना है तो क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे हिटलर द्वारा किए गए भयानक एक्सपेरिमेंट्स। क्या ऐसा करना उचित है कि किसी की जान तक चली जाए, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना ठीक है? आप क्या सोचते हैं? और आप इस बारे में जो भी पूछना या बताना चाहते हैं,
आप हमें कमेंट में बताइए, हम सारे कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, तो हमारे वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके।